जय हिंद, सलाम, नमस्ते। आप सबका प्यार और सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। और मैं जैसा कि आपको वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूं दोस्तों, और चैनल अभी मेरा नया है, तो जितने भी दोस्त हैं उन सबका शुक्रिया, और जो भी मेरे वीडियो को वायरल करता उन्हीं का शुक्रिया। देखो दोस्तों, वीडियो हमेशा हर बंदे का अलग अलग होता है, या क्या बंदा क्या देखना चाहता है वो एक अलग तरीके की थ्योरी है। ठीक है, मैं आप सबके साथ में आया हूँ तो हर तरीके का एंटरटेनमेंट, और जैसा कि हम हर तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएँगे, तो उसके लिए आपको ये करना है कि देखो मेरे साथ आप लोगों को जुड़ना है, और जुड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है प्लस लाइक भी करना है। आपका एक लाइक एक एक करके आपको पता ही है आगे बढ़ जाता है इंसान, और जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे तो वैसे वैसे सब कुछ अच्छा होता नज़र आएगा। मेरा नाम है कबीर और मैं आप लोगों के साथ में जुड़ने की कोशिश में हूँ, और साथ ही आप लोगों की कभी भी इस तरीके के थ्योरी जैसे मैं लेके आऊँगा। तो अब अपने पास ही एक डीसी मोटर है जिसका हम प्रयोग अलग अलग थ्योरी में और अलग अलग टाइप से इस मोटर का यूज़ में करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है कि अगर आपके सामने इस तरीके की ये मोटर आ जाए और आपको कहे कि आगे ये कनेक्ट करनी है। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे ये चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में एक नई सीख आपको मिलेगी, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसा एक जो ये सबके घर में मिलता है कि नहीं, कैपेसिटर के साथ ये अपन फैन में कनेक्टर लगाते हैं वो वाला कनेक्टर है, तो ये अपने को मिल जाता है बखूबी हर घर में। और सीधे सिंपली इसे हम इससे द्वारा अटैचमेंट इस सापट को कर सकते हैं, और जैसे कि इसके आगे हम पंखा भी बना सकते हैं, और इस मोटर से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर अपने पास ऐसी बड़ी मोटर हो तो अपन टर्बाइन जैसा भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये सारे काम किए हैं, इसमें टर्बाइन का भी सिस्टम मैंने काम लिया है, और बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े रहोगे तो आपको कभी ना कभी तो आपको फ़ायदेमंद वाला वीडियो जो आपके हित में रहेगा वो आपको आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं ईटीसी मोटर से शुरुआत करता हूँ कि ये कैसे मैं इसके साथ अटैच करूँगा, और आप वीडियो देखोगे पूरा देखोगे तो हल्का एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो आप लोगों की इच्छा। थैंक यू। तो मैं टाइम नहीं लेते हुए इसके साथ ये अटैच कैसे करवाता हूँ। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका ये वाला जो कनेक्टर के अंदर आता है उसे अपने को निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से निकालूँगा। इसके बाद आप डीसी मोटर से, देखो दिमाग सबके होते हैं और अलग अलग दिमाग से आदमी बहुत कुछ कर सकता है, इसमें अपने को वो चीज़ें मिलेगी ज़रूर जो अपने को चाहिए। बस देखिए, आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, और इससे और भी अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आप नेक्स्ट वीडियो जैसे आप मिलना चाहोगे मेरे से, देखो उस दिन मैंने आपको स्प्लेंडर की साथ चार्जर अटैच करके दिखाया, और भी ऐसे कुछ और थ्योरी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। जुड़ने के कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेज नहीं है, बस फेसबुक इंस्टा की तरह सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब से मुझे मेरा एक नया दोस्त मिल जाता है जिसके साथ मैं अपने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता ही हूँ। ये मेरे ही नॉलेज की बात है, और साथ ही साथ आप सीखते हो उसके लिए आपके भी हित का काम है। मैं सीधे सिंपली समझाता हूँ, बाकी मेरा वो वाला थिंकिंग नहीं है कि अपन ज़्यादा वीडियो को बड़ा चढ़ा कर, वो चीज़ नहीं है। नॉर्मल पता है कि लोग अपने जैसे हैं, अपन दोस्त समझते हैं। तो देखिए, ये जैसे कि इसे ये रेगुलेटर के जो कनेक्टर आता है इसके अंदर की पित्तल की रॉड अपने को काम आएगी ये वाली। ठीक है, इसके बाद अपन इसको यहाँ लगा देंगे। ये जैसे ही आप इसको यहाँ टच करोगे, ये दिख रहा है, इसको अपन इसकी मोटर के आगे सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन इसके
कुछ भी बना सकते हैं। पुली का सेट हो गया, ये इसके आगे लग गया। अब जैसे मैं इसके आगे कुछ भी करूँ ना, ये देखिए आप, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, मोटर भी साथ साथ घूम रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सेट कर लेना है। अब इसके आगे आप चाहो तो ये सीधी रोड घुसा के इसमें आप कुछ भी लगा के चला सकते हो, जैसे कि ये फैन। कुछ कुछ यूट्यूबर दिखाते हैं कि हमने इस मोटर से पानी का पंखा बनाया है और पानी की मोटर बनाई है, वो भी अपन भी बना सकते हैं, नॉर्मली बात है। इजीली अगर आप अच्छा सेटअप बनाओगे तो ये रॉड इसके साथ देखो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। वीडियो ऐसी बात ना है कि इस वीडियो में मज़ा आए, आपको कोई और वीडियो में भी मज़ा आ सकता है। इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है ताकि नए वीडियो और हर वीडियो से आपको कोई अच्छी सीख और अच्छी जानकारी मिले, ठीक है। ये देखो ये सापट इस तरीके से आप अटैच करोगे तो ये पूरी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसको दो और ज़्यादा कर दिया, ये अब इस सापट में आप कुछ भी लगा के ये मोटर आपकी बड़ी बन गई। एक ये मेरे दिमाग में थ्योरी में आया था, इसलिए मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो आपके लिए डाला है कि आप इस तरीके से इस मोटर की ये सापट बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाद में अपन इस सापट में कुछ भी अटैचमेंट करके अपने जैसे कोई फैन है या कुछ भी है अपन इस मोटर को यूज़ में ले सकते हैं। ये तो ही आपकी एक जानकारी की बात। अब इसमें मेरे ये सापट काम नहीं लेके मैं इसमें एक टू पंखी का फ़ैन बनाना चाहता हूँ। उसके लिए भी आपको खर्चा कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉर्मली ले लेना है। ये ले लिया, ये अपने काम नहीं आएगी। अब जैसे कि अपने को काम लेनी है इसके आगे एक फ़ैन बनाना, और वो मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए इसको आप काम करो कि बीचो बीच सेंटर में अपने को एक हॉल कर लेना है इसकी, ठीक है। बीचो बीच सेंटर में एक हॉल कर लेना है और बस ये किया मैंने हॉल। देखो ये इस तरीके से इसको हॉल कर लेना है, ठीक है। इसको फिर ये हॉल अपने ना आए चल में, इसलिए इसको हल्का हल्का काट भी लेना है, ठीक है। काट के आप बिल्कुल मोटर का फैन बना दोगे आप, इस तरीके से हवा आएगी इसकी, नॉर्मली है ये, ठीक है। इसमें अपना स्क्रू जाएगा और ये मोटर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ये लग जाएगा इधर की साइड में, तो ये एक पंखा बन गया। ये तो मैंने बस आपको एक ट्रेजेडी के लिए समझाया है, आप इसे और भी चीज़ें बना सकते हो, मतलब मोटर का आगे कनेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। ये जैसे बन गया मेरा पंखा। अब ये पंखा मुझे थोड़ा सा हल्का सा, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि एक साइड में हल्का बड़ा है, तो उसको अपन इजीली नॉर्मली यहाँ से थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। जितना आपका इधर है उतना ही आपका इधर रहेगा, ठीक है। ये हो गया फैन। इससे आप एक और चीज़ भी कर सकते हो दोस्तों, पता है आपको। इससे मैं एक, अगर ये वीडियो आपको आगे समझ में आए ना, तो इससे मैं आपको फैन डिवाइनिंग की टेक्निक बताऊंगा कि आप जो फैन के लिए आप मशीन लेके आते हो राउंड बाय राउंड, अपन इससे बना के देखेंगे एक दिन किस तरीके से बनती है, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक USB केबल लूँगा। बाकी बैटरी तो अभी मेरे पास DC सप्लाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन DC हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए मैं एक उसका करूँगा, तो इसके लिए थोड़ा वीडियो मैं यहाँ स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट नहीं, इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ आप देखो मैंने सप्लाई का भी सेटअप कर दिया है और अब ये मेरी मोटर चलने के लिए तैयार है, देखना आप। तो
थोड़ा डीसी है, इसको हल्का झटका देने के बाद ये देखिए, ये देखिए किस कदर की उम्र है। देखिए फैन दिख रहा, ये छोटा मिनी फैन बन गया आपके लिए, और इतना तेज हवा में घूम रहा ना कि इसको डीसी की सप्लाई बहुत खतरनाक वाली आ रही है। तो इस तरीके से आप फैन का प्रयोग बना सकते हो। ये देखिए नॉर्मली छोटा फैन एक फिटिंग के लिए बहुत मस्त है, और इसको चलाने के लिए भी मेरे पास यूएसबी केबल से मैंने इसको कनेक्ट करके चला रहा हूँ। आपके सामने ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर देना, और ऐसे ऐसी बात नहीं है कि इस वीडियो में आपको नहीं पसंद आई, कुछ बातें हैं मुझे पता, हर दोस्त को हर लाइफ के अलग अलग सेटअप अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे हम हमारे चैनल को जिस तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगी ना, तो मैं उस लेवल पर धीरे धीरे मेरा चैनल आगे बढ़ाऊंगा। और अभी आप देख सकते हो डीसी किस अंडर घूम रही है, देखिए ये तो बहुत खतरनाक वाली शिप दे रही है। ये देखिए ये एक यहाँ से कनेक्ट किया है, ये एक छोटा फैन है, बहुत ही मज़ेदार बना दोस्तों। इसे लाइक करना और सपोर्ट करना आपका काम है। ये देखिए लाइक देना प्लीज़, बहुत ही तेज़ और बहुत ही पावर है इस डीसी मोटर में।